देखते हैं आज प्रिया कैसे टलीगंजेटा के प्रबल सौजन्य से कि आज आप सभी लोगों के बीच में महान क्रांतिकारी पिछड़ों एवं शोषितों के नायक पेरियार ललित सिंह यादव, जिनके जीवन चरित्र के बारे में कि जिन्होंने तन पर हजार कठिनाइयों को सहने के बाद समाज में वैचारिक धारा को बढ़ाते हुए शोषित और पिछड़े बहुजनों के लिए अपना सारा जीवन न्योछावर किया था। बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं हमारे देश भारत के अंदर, जिन्होंने अंत में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद सारे समाज के लोगों के लिए अपने हक की लड़ाई लड़ने का ज्ञान बताया था। आइए गौर करते हैं पेरियार ललित सिंह यादव के जीवन चरित्र के बारे में। भगवान बुद्ध की पथना करके पद कमलन में ध्यान लगाई, विसहरणी मैया को सुमिरे काली नदिया के मैदान। गुरु मोहन बोध जी के पद कमल के ध्यान लगाई, उपेंद्र कुमार किया जनैया को गुरबर खेई लगाइयो पानी। बुद्धि से करो ललायत प्यारी, प्रिया कई सिद्ध के यज द्वारा सोई हम तुम तंग रहे पहुंचाई, छत्रपाल भैया करी रहे आलोक मन में रहे ते मुसीबत। ऐसा ही नहीं साथियों, अपने देश भारत के अंदर जिस देश भारत को वीरों की खान कहा गया है, जिसके अंदर ज्योतिबा राव फूले, पेरियार ललित सिंह यादव, पेरियार रामास्वामी नायकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाबा साहब जैसे बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने हमारे समाज को जीने का रास्ता दिया, जिन्होंने अपना जीवन संघर्ष में निकाला है। आइए ऐसे ही एक महान वीर की गाथा पेरियार ललित सिंह यादव, जो कहाँ के रहने वाले थे, कब कैसे इनका जन्म हुआ था, ये घटना जिला कानपुर के अंदर एक झिझक स्टेशन पड़ती है कानपुर देहात के अंदर, जिसमें एक ग्राम कठारा गांव है। ऐसा ही नहीं, सुंदर जिला कानपुर जानो के
उत्तर प्रदेश रहे बतला। झींझक स्टेशन पड़ती है, जिसके पास एक कठारा नाम के ग्राम था, जिस कठारा ग्राम के अंदर गज्जू यादव पिता कहला दे, यादव बंसहाई रहो लहरा, मूला देवी मैया कहला दे, तो की गोदी से धरे अबता। याद रखना साथियों, इनके पिता का नाम गज्जू सिंह यादव, इनकी माता का नाम मूला देवी था, ऐसा ही नहीं। सितंबर 1911 खुशियन की लाई थी लला को छा, मूला देवी मैया की गोदी लई ने लला धरो है अब ता। ऐसा ही नहीं, 1911 ईस्वी में मूला देवी मैया की गोदी से एक लाल ने जन्म लिया है, ऐसा ही नहीं। क्या समय था, समय के अनुसार ये प्रथम पुत्र सिंहनी जैसो मैया ने दो दूध पिला, दिन दूने और पलक सवाए पढ़न लगे के हरीला।
पिता गज्जू सिंह यादव भी एक अच्छे परिवार से थे, एक विचारधारा एक क्रांतिकारी थे, लेकिन याद रखना मूला देवी मैया की गोदी से जन्म लेने के बाद ललई सिंह यादव का बचपना व्यतीत होने लगा है। ऐसा ही नहीं, मुख की शोभा बरन न जा, एक बात करत मैं खुला बत्ती सी बिजली सी चमकी रे चमकी रह जा, गज्जू यादव मगन दिलवारी तो लला से करो है बेहद प्यार। याद रखना साथियों, धीरे धीरे ललई सिंह यादव का बचपन व्यतीत होने लगा है। पिता गज्जू सिंह यादव मैया मूला देवी की देखरेख में, लेकिन वाह भाई वाह समय का चक्र। पिता गज्जू सिंह यादव ने लला को दीनों है नाम लिखा, बारी उमरिया ललई यादव की पढ़ने में गौरंग समा, साई नहीं बचपन से ही शिक्षा की ओर कदम बढ़ाया तो गज्जू सिंह यादव ने इनका एक विद्यालय में नाम लिखवा दिया। और दिनों रात करी अति मेहनत करी पढ़ाई थी ध्यान लगा, छत्रपाल भैया अनुज भैया ने रिकॉर्डिंग करी थी ध्यान लगा, उपेंद्र कुमार की आज नैया को छत्रपाल भैया ने करी बापा, सुंदर कर डाले पिता ने दीनों परिपूर्ण बना, आज माता पिता की छाया में ललई सिंह यादव का जीवन व्यतीत हो रहा है। बाबाई बा समय का चक्र। आर सुख में लला कछु दिन पीतो पहुंची दुख की घड़ी जगुआ, सन 1925 आई मूला ने दीने प्राण गवा, याद रखना धम बंधुओं,
खुशी खुशी में ललई सिंह यादव का समय व्यतीत हो रहा था, लेकिन समय का चक्र सन 1925 में इनकी मां मूला देवी का निधन हो गया। ऐसा ही नहीं, रुधन करो तो ललई यादव ने मैया की लाश पे गिरे दस खान, बारो छोड़ के मैया मर गई थी, अपनों छोड़ गई है संसार। विपतिया थोड़े ही दिन की बात रिया जगाते से कटी गए, विपतिया थोड़े ही दिन की बात रिया जगाते से कटी गए। याद रखना साथियों, आज जब खुशी खुशी में समय व्यतीत हो रहा था ललई यादव का, क्योंकि इनके बचपन का नाम इनके माता पिता ने लल्ला कह करके पुकारते थे, इसका नाम वजह से इनका नाम ललई यादव पड़ा। लेकिन ललई यादव की माँ सन 1925 ईस्वी में इस संसार को जुदा होकर चली गई, केवल ललई सिंह यादव रह गए। बारी उम्र थी ललई सिंह यादव की और इनके पिता गज्जू सिंह यादव रह गए। कैसी है समय की लीला, समय धीरे धीरे बदलता चला गया, ऐसा ही नहीं। आज धीरे धीरे सियाने हुई रहे ललई यादव लला सुखमारी, बारो छोड़ी मैया मर गई, अकिलो रैया लला हमारी। आज बारी उम्र में, लेकिन गज्जू सिंह यादव ने अपने लाड़ले को पालना प्रारंभ किया। गज्जू सिंह यादव बबुला ने लला को दो ज्ञान बड़ा, दिन दूनी पल का सवाए बढ़ने लगे बंसी लाल। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। मां गुजर जाने के बावजूद भी ललई सिंह यादव ने शिक्षा से अपना मुख नहीं मोड़ा। अंत में सन 1928 में इन्होंने हिंदी उर्दू से मिडिल पास किया है, ऐसा ही नहीं। सन 1928 धीरे धीरे पहुंची आई, हिंदी उर्दू से मिडिल पास कर मन में रहे बहुत हरसाई। Thank you.
बाद गज्जू सिंह के मन में ये विचार आया है कि ललई सिंह यादव शादी के लायक हो गए हैं, क्योंकि इनकी माँ मूला देवी भी घर में नहीं है। बिना माँ के ललई सिंह यादव की देख रेख हो रही है, अगर इनका विवाह हो जाएगा तो इनके जीवन में थोड़ी खुशियाँ आ जाएगी। ऐसा ही नहीं, विवाह का मन बनाया है पिता गज्जू सिंह यादव ने। समझाया है, बेटा तुम्हारी माँ नहीं है घर में, तुम अकेले हो, अगर तुम्हारा विवाह हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, विवाह के साथ साथ तुम्हारी पढ़ाई भी होती रहेगी। आज पिता की आज्ञा के अनुसार ऐसा ही नहीं, जब विवाह का विचार किया है तो याद रखना जरैला का पुरवा जो कानपुर नगर में पड़ता है, जिस जरैला का पुरवा एक सुंदर गांव है, जिसमें चौधरी सरदार सिंह की एक बिटिया थी जिसका नाम था दुलारी देवी। सन 1931 में पिता गज्जू सिंह यादव ने अपने बेटा ललई यादव की शादी सरदार चौधरी सरदार की कन्या दुलारी देवी के साथ में कर दिया। ऐसा ही नहीं, सरदार सिंह की बिटिया जा संग दीनों पी भारत याद रखना। चौधरी सरदार की कन्या के साथ 1931 में जब इनका विवाह हुआ है, ऐसा ही नहीं, वो दुलारी देवी एक देखन में अति प्यारी लागे, चितवन कर रही है लला गज्जू सिंह मगन दिलवारी के Thank you.
कोस्ट गार्ड की नौकरी करने के बाद जिन्होंने उस पर मन नहीं लगा और उस नौकरी को छोड़ दिया, याद रखना सन 1933 में नौकरी करी पुलिस की जा, सुंदर शहर ग्वालियर जानो पुलिस के पद पे पहुंची है। याद रखना फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी को छोड़ने के बाद इन्होंने सन 1933 में ग्वालियर मुरैना मध्य प्रदेश में सतत्र पुलिस की नौकरी में ज्वाइन किया है, ऐसा ही नहीं मन में ना ही संकोच लला कछु जनता की सेवा करी था। धीरे धीरे के समय रे बीती रहो आगे के अब सुनो हवा। इधर तो सतत्र पुलिस की नौकरी में अपना समय बिता रहे हैं, लेकिन याद रखना धीरे धीरे समय के अनुसार इनकी पत्नी दुलारी देवी के उधर से सन 1935 ईस्वी में सन 1935 आई हुसैन की भर के लाई उपहार। दुलारी देवी ने तब अंगना में सुंदर बिटिया दई जनुमा। याद रखना वो दुलारी देवी ने सन 1935 में एक बिटिया को जन्म दिया है, उस बेटी का शकुंतला बाई नाम धरायो, लली से करो है बेहद प्यार। खुशी खुशी में समय बीती रहो दुख को गो तो समय आया। ऐसा ही नहीं समय बीतने के बाद सन 1939 का समय आया है तो इनकी पत्नी दुलारी देवी की तबीयत कुछ ठीक नजर नहीं आई, क्या मंजूर था प्रकृति को। सन 1939 आई दुलारी ठीक रही कछुना, ऐसी समय की लीला जानो तो काल बलि ने लो दबा। याद रखना दोस्तों कैसी होती है वो समय की विलक्षण घड़ी। दुलारी देवी विवाह होने के 9 वर्ष बाद इसका निधन हो गया। ललई सिंह यादव अपनी पत्नी की लैस पर बहुत रुधन कर रहे हैं, अकेले रह गए हैं, लेकिन समय के साथ हालात के साथ जो अपने कदम नहीं डगमगाता है उसी का जीवन
संसार में सर्वोच्च सबसे उच्चम हो जाता है, ऐसा ही नहीं, कैसी लीला थी। इधर धीरे धीरे तब तक सन 1940 में इन्होंने पुलिस एवं आर्मी संघ ग्वालियर कायम गर्ग अध्यक्ष चुने गए, जिन्होंने हिंदी में सिपाही की तबाही की एक किताब लिखी, जिसे सिपाही की क्रांति में पद पर अग्रसर किया। उन्होंने ग्वालियर की आज़ादी के लिए जनता तथा सरकारी मुलाजिमान को संगठित करके पुलिस और फौज में हड़ताल करवाई। गजब हो गया। आज ललई सिंह की इस हड़ताल के खातिर कोराम सा मच गया। इन्होंने जवानों से कहा है कि बलिदान न सिंह का होते सुना, बकरे बलिवेदी पर लाए गए, विषधारी को दूध पिलाया गया, केंचुआ कटिया में फंसाए गए, ना काटे टेढ़े पादप गए, सीधे परारा चलाए गए, बलवान का बाल न बाका भया, बलहीन सदा तड़पाए गए। हमें रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। विचार किया जब सिपाहियों से कहा है 1946 सिपाही की तबाही पुस्तक लिखी थी, ध्यान लगा इसलिए आजादी के खातिर तब पुलिस में दई हड़ताल करा। जिन्होंने पुलिस और फौज में आजादी के खातिर हड़ताल करवा दी, लेकिन 29 मार्च 1947 पुलिस आर्मी में हड़ताल के आरोप में धारा 131 के अंतर्गत साथियों के साथ बंदी बनाया गया। 6 नवंबर 1947 को स्पल क्राइमिनल जज ग्वालियर ने इन्हें 5 साल सहश्रम कारावास एवं 5 रुपए का अतिदंड सर्वाधिक ग्वालियर नेशनल हाई कोर्ट होने के कारण दी। ऐसा ही नहीं साथियों, ऐसा ही नहीं, हे नाई हिम्मत हारी ना हरने पहुंची 1948 सिवल साथियन के हम संग में नाहर बाहर को गए जब We'll be right back.
348 को सिविल साथियों के साथ बाहर आए, और लेकिन जब बाहर आए हैं तो इन्होंने और आते ही आते कोहराम तहलका मचाने का काम शुरू कर दिया। ऐसा ही नहीं, चेतना बड़ी जागी तो जनता के दिल में दे गए हैं समा। अब तो ललई सिंह यादव ने आई कोहराम मचायो, याद रखना साथियों, जिस समय 12 जनवरी 1948 में ललई सिंह यादव जब बाहर आए हैं कारावास से, तो याद रखना वैचारिक चेतना बढ़ जाने के कारण इन्होंने वहां बाहर आने के बाद तमाम ग्रंथों पुराणों रामायणों का अध्ययन किया। ऐसा ही नहीं, बाहर आई ललई यादव ने ग्रंथन को नौ ध्यान लगाई, मनुष्य स्मृति सबई पढ़ डाली, रामायण को पढ़ो लगाई। जिन्होंने सभी ग्रंथ पढ़े हैं, मनुस्मृति रामायण प्राणों का अध्ययन किया, लेकिन जब उनका अध्ययन किया है उनमें पनपता ढोंग आडंबर यानी कि सूत्रों का घोर अपमान जिसमें लिखा था, पढ़ते ही पढ़ते बदन में आग लग गई। देख आडंबर सब ग्रंथन में मन में सोची सोची रही जाई के कैसे ग्रंथ लिखेते ढोंगी ने ब्राह्मण दीन तयो समझाई। धर्म ग्रंथन में है देखो ब्राह्मण महिमा को लिखो बखाने, पिछड़े सोच तो यार दलितन को जामे हो तुम हो रहे अपमान। ऐसा ही नहीं, जब इन्होंने ग्रंथों का अध्ययन किया तो उसने देखा है जिस ग्रंथों में ब्राह्मणों की महिमा का बखान किया गया है, पिछड़े शोषितों दलितों के मान सम्मान पर ठेस पहुंचाने का काम किया गया है, तब ऐसा देखा है पढ़ा है तो इन्होंने इनके अंदर वैचारिक धारा क्रांतिकारी बढ़ने लगी है। ए देखी अपमान लला सूत्र न पे दिल में लगी आई आग अपारी, भाई समय से ललई यादव ने आगे दीने कदम बढ़ाई। ऐसा ही नहीं, जब उन ग्रंथों का अध्ययन किया, जब देखा है, तब इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा पर चलने का प्रण किया। बाबा साहब विचारधारा ललई ने तो
अपनाई, विभिन्न ग्रंथ लला पड़ी डाले, चिंता दिल में गई समाई। हिंदू धर्म छोड़ हम ले बे, फिर से बौद्ध धर्म अपनाई। इन्होंने विचार किया कि ऐसे धर्म ग्रंथों से हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, जिसमें पिछड़ों शोषितों दलितों का अपमान होता है। ऐसे धर्म ग्रंथों से मुझे अब मालूम पड़ा है, जिस प्रकार से बाबा भीमराव अम्बेडकर ने सभी ग्रंथों का अध्ययन किया था, उसी प्रकार से ललित सिंह यादव ने भी सब ग्रंथों का अध्ययन किया, लेकिन हर ग्रंथों में ढोंग आडंबर नजर आया। तब ललित सिंह यादव ने सबई ग्रंथ लला पढ़ डाले, दिल में एक याद एक जाय। ऐसा ही नहीं, धीरे धीरे यूं तो समय बीत रहा है, ललित सिंह यादव के अंदर वो विचारधारा दौड़ रही है, समाज में शोषित पिछड़ों दलितों के खातिर आगे कदम बढ़ाने का काम करते के लिए इनके मन में विलासा जागृत हुई है। ऐसा ही नहीं, क्या हुआ, घटा गई थी गहरा। जिस समय सन 1953 आई है, उस समय इनके पिता गज्जू सिंह यादव, जिन्होंने अपने प्राणों को छोड़ दिया और सदा सदा के लिए संसार को छोड़ करके अलविदा हो गए। और गज्जू सिंह यादव ने अपने दीने हैं प्राण गवा, सब परिवारी रोबत रही गो, यदुवंशी गए स्वर्ग सीधा। पिता गज्जू सिंह यादव कर शोक पर ललित सिंह यादव और धर के ला सब बुलाया पाने की, दिल में एक याद एक जान, क्रिया कर्म सबई करवाओ तो आगे दीने हैं कदम बढ़ा। याद रखना, गज्जू सिंह यादव की निधन के बाद हिम्मत नहीं हारी नाहर में, ललित सिंह यादव ने जब आगे और कदम बढ़ाया है और आगे कदम अंत में उस समय उत्तर पश्चिम भारत के अंदर पेरियार रामास्वामी नायकर के कई दौरे हुए, पेरियार रामास्वामी नायकर के संपर्क में आने के बाद जिन्होंने उनकी लिखी हुई रामायण छापने की मन में विचारधारा पैदा हुई है। ऐसा ही नहीं,
स्वामी के संपर्क में हिम्मत बड़ी आई थी ललाया, उनकी लिखी रामायण तब फिर हिंदी में छापन को करो खया। याद रखना प्यारिया रामा स्वामी नायकर की लिखी हुई सच्ची रामायण जिन्होंने हिंदी में छापने की सोची, और प्यारिया रामा स्वामी के संपर्क में आने के बाद उन्होंने आगे कदम बढ़ा दिया। और ऐसा ही नहीं, उनकी लिखी हुई किताब जुलाई 1968 में पैरिया रामा स्वामी की अनुमति के बाद रामायण के भंडाफोर करने लगे हैं। धीरे धीरे मेहनत करने के बाद वो किताब सन 1 जुलाई 1969 को छप करके तैयार हुई। इसके बाद 1 जुलाई 1969 सच्ची रामायण छापी गई। उत्तर प्रदेश गयो दहला। जैसे ही वो पैरिया रामास्वामी की सच्ची रामायण पैरिया ललित सिंह यादव ने जिस समय छापी, तो याद रखना उत्तर भारत से लेकर पश्चिम भारत तक वो सच्ची रामायण की किताब का खूब प्रचार प्रसार हुआ। लेकिन वो किताब यूपी सरकार ने 8 दिसंबर 1969 को इस किताब को जब्त करने के आदेश दे दिए। भारत सरकार का मानना था कि वो किताब धार्मिक समुदाय के एवं भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करती है, लेकिन हुआ ऐसा। यूपी सरकार ने किताब जब्त लई है करा 8 दिसंबर 1969 किताब लीनी है जब्त करा। हिम्मत हारी ना। किताब जब जब्त कर ली गई तो हाई कोर्ट इलाहाबाद में याचिका दायर ललित सिंह यादव ने कराई। याद रखना मामला हाई कोर्ट पहुंचा और इस पर ललित सिंह यादव ने के वकील ने सच्ची रामायण के पक्ष में जबरदस्त पैरवी की। जिनके जबरदस्त पैरवी की, याद रखना 19 जनवरी 1971 को हाई कोर्ट से केस जीत लिया, लेकिन कोर्ट ने इस किताब की जब्ती के आदेश को निरस्त कर दिया और सरकार ने आदेश दिया कि वो सभी किताबें वापस कर ली जाएं। ललित सिंह यादव को 300 रुपये मुकदमे का खर्चा भी मिले, क्योंकि जब वो केस ललित सिंह यादव ने जीत लिया तो हुआ ऐसा। सत्य की
जय ललैया दबकी मनुवादी सब गए घबरा। 300 रुपया कोट के द्वारा खर्चा मिलो ललई को जा। याद रखना, जब ललई सिंह यादव के वकील ने वो मुकदमा जीत लिया, इसके बाद करिया देश ललैया तब ने पुस्तक वापस दई करवा। सच्ची रामायण की जब कुंजी टोपी में रही है के धूम मचा। याद रखना साथियों, इसके बाद यूपी सरकार हाई कोर्ट ने निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उत्तर प्रकाशन बनाम ललई सिंह यादव नामक फैसला 16 सितंबर 1976 को आया, जो कि प्रकाशन के पक्ष में रहा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट इलाहाबाद के फैसले को भी सही माना, राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया। ऐसा ही नहीं, नायक बन गए सच्ची रामायण के, बहुजन के दिल में गए हैं समा। शोषित पिछड़ो यार दलितन को इनने दिनों सम्मान दिला। ऐसा ही नहीं, नायक बन गए जब इन्होंने सच्ची रामायण किताब को प्रकाशन में की है, जो उत्तर भारत के पश्चिम में प्रकाशन हुआ, जिसका खूब प्रचार प्रसार हुआ। बहुजन समाज पिछड़ों दलितों के मान सम्मान के लिए जिन्होंने अपना कदम उठाया, लेकिन हुआ ऐसा उसी समय 14 अक्टूबर 1956 में भीमराव अम्बेडकर जो नागपुर की भूमि पर दीक्षा लेने के लिए जा रहे थे, लेकिन उस समय ललई सिंह यादव का भी बड़ा मन था कि मैं भी वहां जाऊंगा, लेकिन स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण वो नागपुर दीक्षा भूमि पहुंच ना सके। हुआ ऐसा 14 अक्टूबर 1956 बीमन लीनो तो धर्म अपना। स्वास्थ्य ठीक लो नहीं ललई को दीक्षा भूमि जे पहुंचे ना। लेकिन दीक्षा भूमि जब पहुंच नहीं सके, इसके बाद भीमराव ने जब 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर के बीच में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, लेकिन बड़ा मन था ललई सिंह यादव का जाने के बाद, लेकिन वहां तो इन्होंने पहुंच नहीं सके। लेकिन इसके बाद इन्होंने 21 जुलाई 1967 जब आई है तो कुशीनगर जाकर के महास्तिवर चंद मणि से जाकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। ऐसा ही नहीं, हिंदू धर्म छोड़ी ललई ने लीनो बौद्ध धर्म अपना। 21 जुलाई 1967 बुद्ध की दीक्षा ले लई जा। जिन्होंने कुशीनगर में जाकर के माँ हिस्तवर चंदमणि से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, इसके बाद लेके दीक्षा बौद्ध धर्म की घोषणा करी ललई ने जा। जाति पाति अब नाई हमारी, केवल ललई है नाम हमारा।
सज्जनों ने घोषणा की कि मैं आज से केवल ललई हूं, मेरे नाम के आगे पीछे कोई जाति सूचक शब्द नहीं होगा। आज से मैं ना ललई हूं, आज से मैं ना यादव हूं, ना चौधरी हूं, केवल मैं ललई हूं। इसके बाद इन्होंने 5 नाटक लिखे हैं। पहला अंगुलिमाल नाटक, दूसरा सम्मुख बध, तीसरा संत माया बलिदान, चौथा एकलव्य और नाग यज्ञ। इन्होंने गद्य में 3 किताबें भी लिखी। पहली शोषित पर धार्मिक डकैती, दूसरी शोषित पर राजनैतिक डकैती एवं सामाजिक विषमता कैसे समाप्त हो, लेकिन हुआ ऐसा। रात दिना होर करके मेहनत, आगे दिने है कदम बढ़ा, दिन और रात की मेहनत करके ताद लिखी थी ध्यान लगा। इस प्रकार से दलितों व शोषित पिछड़ों के मसीहा कहलाए जाने वाले पेरियार ललित सिंह यादव ने बौद्ध धर्म को अपनाया, जिन्होंने सच्ची रामायण को छापने का काम किया, जिसके लेखक पेरियार रामास्वामी नायकर, जिनकी लिखी हुई किताब को हिंदी में छापने के बाद ललित सिंह यादव ने तमाम मुसीबतों झेल करके जिन्होंने सच्ची रामायण को सारे उत्तर प्रदेश में फैलाने का काम किया। ऐसा ही नहीं, शोषित और गरीब को जब इन्होंने दिल में लो बसा, बेचारी का धारा बड़ी जाई तो सामाजिक क्रांति दई दर्शाए। ऐसा ही नहीं, तमाम तरह की क्रांतिकारी लड़ाई लड़ने वाले पेरियार ललित सिंह यादव, प्रमाण मिलता है 7 फरवरी 1993 को इस दुनिया से अलविदा हो गए। ऐसा ही नहीं, 7 फरवरी 1993 दुनिया छोड़ गए हैं सरकार, कोई नहीं अमर भयो है दुनिया में, एक दिन मर के ही अनुसैदा।
प्यारो ही न दुई दिन कोई।